इंडिया ने तो अफ्रीका को ला दिया है, बड़े भी तो बड़े भी छोटे भी तो सुभान अल्लाह। इंडिया की टीम ने इतना परफॉर्म क्यों करते हैं भाई, आज उन्होंने फिर साबित कर दिया कि इंडिया बाप बाप होता है बेटा बेटा। जो इंडिया की अंडर 19 टीम है इतनी टफ है, ये हमारी पाकिस्तान की ये टीम को हरा सकती है भाई। इंडिया प्योर है सारी टीमों का, मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, जीतना इंडिया नहीं है। पाकिस्तान का आपने नाम क्यों लिया मुझे बताओ, क्या हुआ? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना भाई, पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ जाए लेकिन पाकिस्तान ना आए। उनके अंदर जज्बा है और सीखना उनके अंदर, मतलब जैसा उनके सीनियर परफॉर्मर स्लो खेला और दूसरा जो साथ खड़ा सचिन है उसने कहीं का नहीं छोड़ा साउथ अफ्रीका की टीम को। टी20 भी होता है जैसे राहुल शर्मा और वो दोनों कहते हैं वैसे ही इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अंडर 19 में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रही। हमारी पाकिस्तान की अंडर 19 टीम है, वो इतनी हार्ड वर्किंग नहीं करती। जो सारे ने ऐसा कैप्टन जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन नॉक खेली है, रोहित शर्मा याद कराया, शुरू में उनके 4 आउट हो गए, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं फिर मुझे बाद में याद आया नहीं ये तो इंडिया की टीम है, ये तो अभी ये इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर, ये तो ये करेंगे। लेकिन सचिन दास ने जिस तरह बैटिंग की है ना, उसके बैटिंग अंदाज से, उसके परफॉर्म से, उसके अंदर जो नजर आ रहा था वो हमें सचिन तेंदुलकर नजर आ रहा था। विराट कोहली की ज्यादा करवा दिया अटैकिंग क्रिकेट, 160 रन की पार्टनरशिप लगी है यार, कमाल कर दिया। देखो ही पूरा मजा दिला देते हैं। रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप जो 190 की लगी थी और इन बच्चों ने 170 की पार्टनरशिप लगा के हमें बताया भाई 8 बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। बिल्कुल ठीक है, देखें जी और साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया भाई हम वर्ल्ड्स बिगेस्ट चोकर्स हैं, हम पे ये टैग लगा दो ठीक। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने आता है तो इंडिया के पास जब बदला लेने का टाइम है 19 नवंबर का और WTC फाइनल का, बजा देना पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को, इस बार मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर इंडिया के सामने आ गई, क्या कहना चाहोगे, ऑस्ट्रेलिया आ जाए फाइनल में या पाकिस्तान आ जाए, किस तरह से मुकाबला देख रहे हो यार? देखिए कि पाकिस्तान की टीम की जो सूरत-ए-हाल ए टीम की है तो वही तो हमें इनकी नजर आ रही है, क्योंकि ये सब अपने लिए खेलते हैं। उम्मीद करता हूं पाकिस्तान भी इतना अच्छा परफॉर्म करे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फाइनल में हम इंडिया पाकिस्तान के अंडर 19 के प्लेयर्स हम देखें और फाइनल एक यादगार फाइनल और 2006 के बाद जबड़ों में हाथ डाल के शेर का शिकार, अगर आप करें ना कि शेर का शिकार किया, शेर का सही अफ्रीकी शेर का शिकार किया दोनों बच्चों ने, अमूमा के रिश्तेदारों को मैच मार दिया। साउथ अफ्रीका के जो चोकर्स माने जाते हैं उनको पकड़ के इंडिया की अंडर 19 टीम ने उनका पकड़ के घंटा और छनकना दोनों बजा दिए हैं। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि कल किस तरह से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि भारतीय टीम अब फाइनल में पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें जो टीम जीतती है वो भारत से फाइनल खेलेगी। और कल उदय सरन और सचिन ने क्या शानदार पारी खेली है आप सबने देखा ही होगा, उन दोनों के बीच 171 रनों की पार्टनरशिप हुई है, जिसके वजह से भारतीय टीम ने इस मैच को आसानी से जीत कर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। ऐसे इंडिया की जो टीम है अंडर 19 की वैसे ही बड़ी तगड़ी टीम है, ओवरऑल देखा जाए कि अंडर 19 में दोनों बड़े मुल्क बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, और आज जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस रही है मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को इन्होंने टिकने दिया अपने सामने। थोड़ा सा मैच फसफसा हो गया था बट एंड में जाके बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को कवर किया, तो मुझे लगता है कि इंडिया अच्छा खेल रहा है। और अंडर 19 की बात की जाए, ओवरऑल सीनियर टीम की बात की जाए, सारी टीमें जो इंडिया की जो क्रिकेट की जितनी भी टीमें हैं सारे इतना अच्छा खेल रही हैं और ओवरऑल देखा जाए दुनिया में क्रिकेट का किसी और तरफ ही नाम ले गया इंडिया, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा टीम इंडिया। बिल्कुल, जिस तरह से स्टार्टिंग में इंडिया की 4 विकेट स्कोरिंग 37 के ऊपर लगा के आज जो मैच है वो भारत के हाथ से गया, देखिए लग तो रहा था लिटिल बिट बट ये है कि अच्छे तरीके से जिस तरीके से अब विकेट भी साथ साथ गिननी स्टार्ट हो गई थी तो लग रहा था थोड़ा सा कि इंडिया के हाथ से निकल सकता है मैच, बट ओवरऑल इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया और अपने नाम ये मैच किया, तो मुझे ये लगता है कि अंडर 19 का जो पाकिस्तान वैसे इंडिया का आगे फाइनल भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली हम लोग चाह रहे हैं कि फाइनल देखने को मिले, दो बड़े हरीफ आमने सामने होंगे। पहले तो इंडिया की एक टीम वहां पे ए टीम वो इंग्लैंड को खा रही है, अब यहां पे इंडिया की अंडर 19 टीम पूरा वर्ल्ड कप खा रही है, यानी कि सेमीफाइनल में यार जो उदय सारन ने जो बैटिंग किया है कैप्टन है इंडिया की टीम का यार, उसमें पता लग रहा है कि उसमें विराट कोहली की एक झलक है मुझे नजर आ रही है, जैसे उसने 80+ स्कोर किया मुझे देख के मजा आ गया। उनको शर्म नहीं आती इंडिया के गेम्स खेल रहे हो, वो भी अंडर 19 यार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अंडर 19 ने करके दिखाई है। मुझे तो लग रहा था जब इनके 4 आउट हुए थे मैं कहा यार डेड है यार ये लोग, विराट कोहली रोहित शर्मा थोड़ी ना, लेकिन यार यंगस्टर्स ने कहा हम मर गए हैं कि हम लोग खेले नहीं है, लेकिन यार साउथ अफ्रीका ने भी बहुत टफ टाइम दिया है, इंडिया इज इंडिया यार, बेशक वो अंडर 19 टीम क्यों ना हो, क्यों बेशक ब्लाइंड टीम ना हो, जो मुझे टीम हो यार इंडिया के सामने जो आएगा भाई मार मार के आगे जाएगा। और लिटरली यार जिस तरह आज यंग गन्स ने परफॉर्म करके दिखाया ना, आज बाकी पता चला कि यार इंडिया वो टीम है भाई जिनके कप्तान, जिनके मोराल, जिनके हीरो, जिनके कैप्टन्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर हो, उनके नीचे खेलने वाले प्लेयर अगर इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे और किस तरह परफॉर्म करेंगे यार, इन लोगों ने नहीं जीतना और क्या हमने जीतना है। जिस तरह इंडिया की टीम है ना अंडर 19, मुझे लगता है अगर इनका मैच होगा पाकिस्तान की ए टीम के साथ तो फाइनल में चला गया, चला गया यार, और अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में दोनों मिल गए तो यार मैं तो चाहता हूँ, मैं तो अल्लाह की कसम चाहता हूँ कि पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 फाइनल हो, इंडिया तो चला गया, लेकिन अगर यही इंडिया का मैच, इंडिया अंडर 19 वर्सेस पाकिस्तान टीम ए का मैच हो ना, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि भाई
इंडिया जीत जाएगा। ऐसे पार्टनरशिप हमें आज नजर आई, मतलब कि रोहित शर्मा जैसे इन्होंने झलक बच्चों ने दिखा दी हमें अंडर 19 के प्लेयर्स ने, तो ये इंडिया ने कमाल ही करके दिखा दिया। बिल्कुल आपने सही बात किया कि कमाल की बात, हमें वो अफगानियों का दौर याद आ गया जब उन्होंने वहाँ पर दो सुपर ओवर्स करवा दिए थे, कि पता नहीं फैसला ही नहीं आ रहा था और यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई है। बट नो डाउट बहुत अच्छा लगा देखकर इनके हर एक प्लेयर। आप जयसवाल की बात करेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा खेले, गेल इतना अच्छा, बुमराह 9 विकेट लेके, यहाँ पर आप बॉलिंग की भी बात करें तो बॉलिंग भी माशाल्लाह जा रहे हैं। मतलब लिम्बानी ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्म किया, उसके बाद पांडे ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, तो इनके अगर बॉलिंग में हम बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर बनने नहीं दिया। 240 प्लस का टारगेट उन्होंने लिया, उसके बाद अगर देखें तो 40 पे किधर 4 आउट और किधर ये 200 प्लस पे स्कोर लेके हैं दोनों मिला के पार्टनरशिप में। एक्जेक्टली अगर आप स्टार्ट में देखते हैं, जब भारत बैटिंग कर रहा था तो जैसे 4 विकेट चुनिया, स्टार्ट में लगा नहीं था कि भारत आज अपनी जो रसाई है वो फाइनल तक बना पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, परफॉर्म किया, उनकी बॉलिंग ने बताया कि भाई बैटिंग ने बताया कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए फाइनल में तो हम ही खेलेंगे। और आपको बताया कि पाकिस्तान का भी अंडर 19 है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे पाक भारत टकरा जब वो करता हुआ उम्मीद है कि पाक जो है वो फाइनल में जा पाएगा और दोनों का जो है फाइनल में टकरा हमें बड़ा बेहतरीन मिलने देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इस बात है, दोनों फाइनल में जाएंगे और हम एक्सपेक्ट करें कि हमें ये देखने को मिले, नहीं तो जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो जाएगी एक बार फिर से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो हम नहीं चाह रहे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान के साथ इनका टकरा होगा फाइनल के अंदर? हाँ होगा। क्या लगता है कौन जीतेगा, पाकिस्तान या भारत? भारत भारत क्यों जीतेगा, अभी पाकिस्तान की टीम है। देखिए अगर बात करें अंडर 19 से, पाकिस्तान अंडर 19 में इतनी हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे जिस तरह इंडिया कर रहा है, तो इसलिए इंडिया विन करेगा। इंडिया ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। आज इंडिया की बॉलिंग क्यों ज्यादा अच्छी नजर आती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। हाँ लेकिन इंडिया देखिए हर चीज में अपने आपको बेटर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बॉलिंग भी आपने देखा ना कितनी अच्छी उन्होंने की है, तो इसलिए वो हार्ड वर्किंग पे। बिल्कुल बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, हमारे सीनियर्स तो कुछ करते नहीं, जूनियर्स भी देख लें इंडिया के साथ फाइनल खेलने जा रहे हैं। हाँ तो देखें जूनियर्स, अगर सीनियर्स कुछ करेंगे तो हमारे जूनियर्स कुछ करेंगे ना। बिल्कुल आपके पास सीनियर्स कुछ करेंगे तो जूनियर्स कुछ करेंगे, जब दोनों कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीखते हैं छोटे। बिल्कुल आपकी बात है, बड़ों से सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटों से सीखना चाहिए। यहाँ पे आप दूसरे कंट्री से हैं, छोटों से भी बड़े को, यहाँ पे पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि देखें अब वो हमारे साथ कितनी छोटी कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान ने जीते तो उनके लिए शर्म की बात है ना। देखो जैसे 30-40 में इंडिया के 4 आउट थे, लेकिन जिस तरीके से उदय सहारन और सचिन दास ने परफॉर्मेंस करी है, ओए ओए ओए, आप देखो कितना बड़ा टारगेट है। मानना पड़ेगा अंडर 19 में टीम बहुत खत्म है, इन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी है ना अंडर 19 टीम में, मुझे लग रहा है कि आगे जैसे फाइनल के अंदर पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी, जिस तरीके से इंडिया के बॉलर देखो 3-3 विकेट निकाल रहे हैं, बड़ा स्कोर चेज कर रहे हैं, बड़ा स्कोर करते हैं फिर चेज नहीं होने देते बॉलर। आप देखो जिस तरीके दोनों बैट्समैन ने स्कोर चेज किया ना, 96 पे एक आउट हो गया, 80 प्लस एक बंदा कर गया। देखो अंडर 19 की टीम इंडिया की कितनी इंप्रूव हो गई यार, इतनी अखीर परफॉर्मेंस की है। जैसे उनकी स्टार्ट में परफॉर्मेंस लग रहा था शायद इंडियन टीम शो भी ना कर पाए भाई, ऐसे लग रहा था कि बैटिंग कोलैप्स हो गई, इनसे कुछ नहीं हो पाना, लेकिन देखो हमेशा पार्टनरशिप काम आती है, बड़ा उनको पता भाई ओवर वादू पड़े हैं। एक दफा तेंदुलकर और रोहित शर्मा को याद कराते हैं अंडर 19 के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने आगे विकेट संभाली है, मतलब आप देखो इतनी प्यारी परफॉर्मेंस, इतनी स्टैंडर्ड की, इतनी हाई क्लास परफॉर्मेंस आपको शायद हिस्ट्री में कभी अंडर 19 में देखने को मिले, जो इंडिया ने करके दिखाया। इंडिया की टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड कप, जीती हुई नजर आ रही है आपको, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है यार, आप कह रहे जीती नजर आ रही है, इनके अलावा जीतना किसी ने, आप ये मुझे बताओ। सचिन ने 96 रन किए, मतलब हमें जोड़िया नजर आई जैसे धोनी और विराट कोहली एक टाइम में खेलते थे, धोनी की जैसी ने खेली, कैप्टन ने बिल्कुल कीप एंड काम रहा, लेकिन सचिन ने विराट कोहली तरह अग्रेसिव इनिंग खेली है, टीम इंडिया को 9 ओवर से गेम के अंदर लाके खड़ा कर दिया, गेम के अंदर लाके खड़ा कर दिया, मैच जितवा दिया। यार अब मजा आने वाला है, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होने वाला है, वजह क्या है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बीट कर देगा। पाकिस्तान के लड़कों में अभी तक सियासत नहीं आई, बड़ा फ्री एंड फेयर खेल रहे हैं, बैदशाह हो गया, अजान बैच हो गया, जितने भी 11 के 11 लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मजा आने वाला है, बिगेस्ट स्टेज होगी, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा, खून गर्म हो जाएगा। सर वहां पे उन्होंने वर्ल्ड कप का अपना गुस्सा नहीं उतारना, इंडिया ने जहां पे वो अपनी सीनियर टीम उनका एक मैच हार के दिया, पाकिस्तान सामने आ गया तो इन्होंने तो क्या यार इंडिया ने भी गुस्सा उतारना है आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने भी उतारना है, हम तो पोल से वापस आ गए थे, अब हम भी फाइनल तक हमारा ज्यादा बनता है, हमारा ज्यादा बनता है, मतलब कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होगा ना तो मजा आएगा मैच देखने का। देखिए वन साइडेड मैच नहीं हम कहेंगे यार एक साइड से पाकिस्तान के शेर आ रहे, एक साइड से इंडिया के शेर आ रहे हैं, टक्कर का मुकाबला पड़ेगा, फिर देखते हैं कौन जीता है, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान हमेशा हम होप करते हैं पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन ऑन द डे क्रिकेट बड़ी दोनों से हैं, बिल्कुल क्रिकेट बड़ी क्रूअल गेम है सर, बड़ी जालिम गेम है, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, दोनों टीम के लिए होप होगी। आज के मैच पर भाई बार बार ये जो लड़का इनका कैप्टन है इसकी तारीफ बनती है, साथ में लंबानी जो बॉलर है उसने आगे 3 आउट किए, मुशीर ने भी, मुशीर ने बैटिंग में नहीं चला, बॉलिंग में चल गया, हालांकि बैटिंग में टॉप रन स्कोर है टूर्नामेंट का, और अब वो सेमीफाइनल में नहीं चला, पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेट होगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय यंग टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय यंग टीम ने पूरी मतलब वर्ल्ड कप में प्रदर्शन दिखाई है सभी को हैरान कर दिया है, और सचिन और उदय सरन ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है इस मतलब सेमीफाइनल मुकाबले में, आप सबने देखा ही होगा, उन्होंने शानदार पार्टनरशिप करते हुए 171 रनों की पारी खेली है, और उन दोनों ने मतलब उदय सरन ने मतलब 81 रनों की पारी खेली है और सचिन ने 91 रनों की पारी खेली है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों मतलब बल्लेबाजों की वजह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंच गई है, क्योंकि 35 पे 4 विकेट भारत के गिर गए थे और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम का सपना फाइनल में जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है जिसके बदौलत भारतीय टीम 2 विकेट
विकेट से इस मतलब अंडर 90 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। और साउथ अफ्रीका एक बार फिर से साबित कर दिया कि उसे चोकर्स टीम क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने मतलब इतना बेकार प्रदर्शन दिखाई कि आप सबने देखा ही होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय यंग टीम मतलब निकल के आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया इससे हैरान है कि इससे हमारी मतलब जो मेन टीम है, जो बाबर आजम, साइंस आफरीदी हैं, उनसे मतलब कंपेयर कर रही है कि अंडर 90 भारत की टीम काफ़ी ज़्यादा टफ है और ये हमें कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि 11 तारीख को इस वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है जिसमें भारत पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जिसमें दोनों टीमों मतलब जो जीतेगी वही भारत के साथ फाइनल खेलेगी 11 तारीख को। तो आप समझ सकते हैं कि 11 तारीख को भारत के लिए कितना बड़ा दिन है क्रिकेट मतलब खिलाड़ियों के लिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा भारतीय टीम को अंडर 90 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।